हेलो राधे दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है संडे मॉर्निंग का टाइम, सॉरी संडे नहीं है आज, मतलब इन्होंने छुट्टी ले रखी है तो मुझे लग रहा था संडे है। संडे नहीं, आज सैटरडे है। आज इन्होंने छुट्टी ले रखी है क्योंकि मम्मी आ रही है आज, मम्मी पापा दोनों आ रहे हैं, छोटा भाई भी आ रहा है। तो छोटा भाई तो मम्मी पापा को छोड़ के अंशु को लेने निकल जाएगा, और ये जाएंगे मम्मी को लेकर के दिखाने के लिए, जो यहाँ पर यहाँ गांव है जलेसर रोड पे, हाथरस में ही अलिया का नगरा, वहां पर मम्मी को लेकर के जाएंगे दिखाने के लिए। और तांशु देखो नाराज हो गए, तांशु हम पर नहीं पढ़े आज तो हम लोग सुबह आपसे सुबह डांट पड़ गई है मेरी वजह से। मैंने डांट दिया है, देखो कैसे मुंह लटका के खड़े हैं तांशु। मैं इसके सिर पे ऑयल लगा रही थी तो ये अपनी गर्दन इधर उधर भटका रहा था, ढंग से नहीं लगवा रहा था, तो ये बच्चों को मैंने मारा क्यों जाता है? मारे, मैंने पीठ में यूं किया है बस इसके। क्यों किया था जी? सॉरी, जोर ओह माय गॉड, यू से मारा है, बहुत ही तो किया था लगी पीठ पे। था। सॉरी बाबा, सॉरी। अच्छा सॉरी, चलो ठीक है, सॉरी बोलते रहिए, माफ कर दो, ठीक है। क्यों हाँ, सो फ्रेंड्स, मम्मी थोड़ी बहुत देर में आती होंगी, निकल गई है वहां से, घर से। तो मुझे, मैं फटाफट चलती हूँ किचन में, बस बाकी सारे काम हो गए हैं, बस खाना की तैयारी कर लूँ मैं खाने की, है ना। और ये मैं आलू फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं दम आलू की सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने छोटे छोटे आलू जो ले लिए थे और उनको छील करके फिर उनमें फोक से होल कर लिए थे जगह जगह, और उसके बाद फिर मैंने इनको डीपली फ्राई जो है कर ले रही हूँ अच्छे से। होल करने से ना आलू जो है अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। सो ये आलू फ्राई हो चुके हैं, उसके बाद फिर जो कढ़ाई में मैंने जैसे ऑयल में आलू फ्राई किए थे, उसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकाल दिया, उसी ऑयल में मैंने ही बची ऑयल में सब्जी जो है बना दे रही हूँ। तो बस जैसे ऑयल गर्म हुआ, हींग जीरा डाला, हींग जीरा डाल करके प्याज का पेस्ट बना लिया था, वो अच्छे से फ्राई किया है मैंने। और उसके बाद इसमें ऐड की है हल्दी, और थोड़ी देर तक हल्दी को पकाना, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर का ये पेस्ट, और साथ में मैंने हरी मिर्च भी काट के रख रखी है तो वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और उसके बाद मसाले अच्छे से पका ले रहे हैं, और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड कर दे रही हूँ मैं इसमें। और अब मसालेदानी का भी कुछ काम नहीं है, सारे मसाले पड़ चुके हैं, तो ये मसालेदानी भी ढक्कन लगा करके रख देती हूँ मैं। और फिर इसमें हम ऐड कर देते हैं पानी, और पानी मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो आलू मैं इसमें ऐड करूँगी, आलू जो है ग्रेवी को सोखेंगे। और दम आलू सब्जी मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन तांशु के पापा की तो फेवरेट है। और आप में से किस किस को दम आलू की सब्ज़ी पसंद है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मैंने अभी इसमें ऐड कर दिए ये फ्राई किए हुए आलू, और बस इसमें ऐड कर दे रहे हैं थोड़ा सा नमक अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ढक करके रख देते हैं पकने के लिए। और आलू फ्राई किए हुए तो आधे तो वैसे ही पके हुए हैं वो, तो इस सब्जी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो नो, इस मौसम और मेरे इस बिजी शेड्यूल की वजह से मेरे हेयर की क्या हालत हो गई है, कितने बेकार हो गए हैं मेरे ये हेयर। सॉरी डियर हेयर, मैंने तुम्हें कितना डल ड्राई रफ बना दिया है, सॉरी फॉर डैमेज एंड ब्रेकेजेस कि तुम इतने वीक हो गए हो, इतना टूटते हो, कितने वीक हो गए हो, कितना टूटते हो। नो नो, आई जस्ट टुक इलास्टिसिटी टेस्ट और तुम टूट गए, कितने वीक हो गए हो। और मैंने सुना है जो हिबिस्किस और करी लीव्स होती हैं वो तुम्हें रिपेयर करने में अमेजिंग वर्क करती हैं, बट सॉरी मैं रेगुलर DIY मैट्रिक्स का यूज नहीं कर पाती हूँ, और तुम कितने डल और ड्राई हो गए हो। बट डोंट वरी, आई हैव गॉट द सेम कॉम्बिनेशन फ्रॉम मामा अर्थ हिबिस्किस डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल एंड शैम्पू। अभी मैं करने जा रही हूँ इसे यूज, तो ये है, तो इसके लिए दिया हुआ है कॉम्ब एप्लीकेटर, और इस कॉम्ब एप्लीकेटर के थ्रू आपके रूट तक पहुंचता है। और ये ऑयल हेयर की लेंथ में लगाने के लिए ऑयल को हैंड पे ले करके जो है फिर आपको हेयर की लेंथ में लगा लेना है अच्छे से, और फिर फिंगर टिप से हेयर की अच्छे से मसाज कर लेनी है, जैसे कि जो ऑयल है वो आपकी रूट तक पहुंच जाए, जड़ों तक अच्छे से मसाज करनी है।
और फिर जो है आप अगले दिन सुबह मॉर्निंग में हेयर वॉश कर लें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 3-4 घंटे के बाद भी हेयर वॉश कर सकते हैं। एंड मामा अर्थ हिबिस्कस डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल इज हेयर फॉर द केयर फॉर डैमेज रिपेयर, और ये हेयर के सभी तरीके के डैमेज को अच्छे से रिपेयर करता है। इसमें हिबिस्कस और करी लीव्स है जो कि हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और हेयर की रूट को नरिश करती हैं। और 3-4 घंटे के बाद जब मेरे हेयर ने ऑयल को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है तो ये है मामा अर्थ डैमेज रिपेयर हेयर शैम्पू। तो इससे मैं अपने हेयर वॉश कर रही हूँ और इस शैम्पू से अपने हेयर पे अच्छे से मसाज करते हुए फिर मैं पानी से वॉश कर ले रही हूँ। और फ्रेंड्स मुझे मामा अर्थ हिबिस्कस डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल और ये शैम्पू यूज करते हुए 1 वीक हो गया, और इसका रिजल्ट आप मेरे हेयर पे देख सकते हैं कितने स्मूथ और शाइनी हो गए हैं। सो मामा अर्थ हिबिस्कस डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल हेयर के सभी तरीके के डैमेज को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है, चाहे वो रफ हो, डल हो, या टेंगल्ड हेयर हो, या स्प्लिट एंड्स हो। और मैंने मामा अर्थ हिबिस्कस डैमेज रिपेयर शैम्पू भी यूज किया है जिसका रिजल्ट आप मेरे हेयर पे देख सकते हो कि कितना अच्छा आया है, अदर केमिकल शैम्पू से कितना अच्छा रिजल्ट है, स्मूथ और शाइन कर रहे हैं मेरे हेयर। सो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने हेयर को डैमेज हेयर को रिपेयर करूंगी और उन्हें फिर से स्ट्रांग बनाऊंगी। सो देखिए मेरे हेयर फिर से स्ट्रांग बन गया, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हेयर जो है अब डैमेज फ्री है, कैसा भी कोई भी डैमेज नहीं है, बिल्कुल स्ट्रांग स्मूथ और शाइनी हो गए हैं। सो फ्रेंड्स अगर आप भी अपने हेयर को डैमेज से बचाना चाहते हैं तो यूज कीजिए मामा अर्थ हिबिस्कस डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल एंड शैम्पू, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स हार्मफुल केमिकल से फ्री है, नेचुरल है, प्लास्टिक पॉजिटिव है, इंडियन ब्रांड है मामा अर्थ। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मामा अर्थ ऐप, मामा अर्थ वेबसाइट, अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल पर अवेलेबल हो जाएंगे। एंड एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, द एग्जैक्ट जियोलोकेशन पिक्चर एंड द स्पीसीज ऑफ द ट्री विल बी सेंड टू यू। और मामा अर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया है, सो यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और अगर आप मेरे कूपन कोड POOG2024 को यूज करते हैं तो आपको मिलता है 20% का डिस्काउंट। और जैसे कि आप जानते हैं कि मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल पर अवेलेबल है। इसके अलावा मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मामा अर्थ के स्टोर पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कहीं भी मामा अर्थ का स्टोर नजर आता है तो मुझे मैसेज कीजिए, कॉमेंट कीजिए। तो जब तक ये सब्जी बनती है तब तक मैं आटा भी जो लगा करके रख दे रही हूँ, सारी तैयारी मुझे करके रखनी है मम्मी पापा के आने से पहले, क्योंकि हो सकता है फिर आते ही सौरभ अंशु को लेने के लिए निकले, फिर मम्मी को भी दिखाने जाना ही है। सो फिर मैं सोच रही हूँ खाना खा करके जाएं, तो इसलिए मैं फटाफट से तैयारी करके रख दे रही हूँ, क्योंकि आएंगे फिर चाय नाश्ता भी होगा। तो बस सब्जी मेरी बनी जा रही है और ये आटा भी लगा के रख दे रही हूँ मैं। और अभी मम्मी का फ़ोन आ गया तो वो हाथस में एंटर कर चुके हैं, तो 5-10 मिनट में बस वो पहुंचने वाले हैं। सो मैं जब तक मैंने सोचा ये नाश्ते वगैरह की जो ट्रे है वो मैं लगा करके रख दूँ, नमकीन बिस्किट लगा करके रख दे रही हूँ, क्योंकि फिर जब सब लोग आ जाते हैं ना तो एकदम से हड़बड़ी सी हो जाती है, जल्दबाजी में काम बिगड़ता है, तो मैं आराम से लगा करके रख दे रही हूँ। और बीच बीच में ये उसे पूछने आ रहे हैं कि कुछ हेल्प तो नहीं करानी और कुछ काम तो नहीं है करने के लिए, तो मैं करवा दूँ, लेकिन मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, सब काम हो ही गया है। कहाँ आ रहा है, इधर रुक जा, अरे ही रुक जा, अरे वो आगे आगे गाड़ी, हाँ सिक्योरिटी पूरा है, कभी का बंदर आया थे ना, हवाला का जुगंडे ने तू पकड़ लो, तू को बचाओ, ये बताए यहाँ लगा देना साइड में, इधर यहाँ लगा देना पे, अच्छा हाँ तुम तो जा रहे हो, सही है क्या।
यहाँ बंदर बहुत रहते हैं, सब चक्कर ही है। ये तो मोटरसाइकिल भी गाड़ी पड़ो। नानी जय जय कर लो, डंडा भेज दे दे। ए मामा के नहीं जूते? मामा के नहीं, लांसु। नमस्ते बाबा जी, नमस्ते अम्मी जी। चल घर से आ जाओ, तुम असल आ जाओ। और यहाँ मम्मी पापा छोटा भाई सौरभ तीनों आ चुके हैं, और मैं भी सुबह से तैयारी में लगी हुई थी जल्दी जल्दी सारे काम निपट जाए मम्मी पापा के आने से पहले, सब मतलब मैं फ्री हो जाऊँ सारे काम से और सब तैयारी करके रख लूँ, खाने पीने की चाय नाश्ते की सब तैयारी करके रख लूँ उनके आने से पहले, ताकि मुझे जो है उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाए। पता चले मैं काम में ही लगी रहूँ और मैं मतलब थोड़ी बहुत देर के लिए आए हैं और मैं उनके साथ ढंग से बैठ भी ना पाऊँ। और अभी यहाँ पर इन्होंने डाली है चेयर बैठने के लिए, और ये जब तक दे रहे हैं सभी को पानी तब तक यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी हो गई है। अभी मैंने मम्मी के लिए फीकी चाय निकाली है, क्योंकि मम्मी को आपको पता है डायबिटीज़ है तो फीकी चाय पीती हैं, सो पहले मम्मी के लिए निकाल ली है, उसके बाद फिर मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ जब तक ये दे रहे हैं पानी सबको। और मम्मी भी यहीं मेरे पास में आके खड़ी हो गई, मैं तो बोल रही थी बैठ जाओ मम्मी, और मम्मी मेरे पास में आके खड़ी हो गई। तो बस चाय रेडी है और चाय में सभी कपों में कर दे रही हूँ, उसके बाद दे करके आते हैं, चाय नाश्ता होगा। और अभी सौरभ अंशु को लेने के लिए निकल रहा है, सो बिना खाना खाए जा रहा है, खाली चाय नाश्ता किया, चाय नाश्ता करके ही वो निकल रहा है अंशु को लेने के लिए, क्योंकि फिर बोल रहा था कि लेट हो जाएंगे फिर ज़्यादा, क्योंकि अंशु को लेकर के फिर सीधे वो यहीं पर ही आएगा और फिर वहाँ पर भी अंशु को लेने जा रहा है, वही फर्स्ट टाइम जा रहा है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर यहाँ पर अंशु को लेकर के आएगा तो यहाँ पर भी भाई पहली बार अंशु आ रही है मेरे पास तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा यहाँ पर, और फिर आगरा भी टाइम से पहुँचना ही है तो इसलिए फिर चाय नाश्ता करके तुरंत निकल रहा है वो। डंडा लेगा तो चलो पीछे जेल के सामने। ऐसा आज शनिवार है ना, तो मंदिरों पे भाग गए होंगे बंदर, आज कुछ हमें प्रसाद वरसाद मिल जाता है उनको। बंदर हमारे यहाँ बहुत है यहाँ पे। आगे ना निकले, मुड़ नहीं पाई, बैक बैक यहाँ से बैक कर लो, या फिर आगे गली है वहाँ से बैक हो जाएगी। नहीं यहाँ से बैक हो जाएगी बेटा, जी आप बैक हो जाएंगे। वहाँ पे आएंगे दो गली और है, यहाँ से निकल जाएंगे, वहाँ से भी मोड़ते हुए। नहीं यहाँ स्पेस काफी है, बैक करके यहाँ घुमा देंगे। अरे तो यहाँ से यूं निकल जाएंगे, यूं मोड़ के ऐसे जाएंगे आगे ना है? आगे। और जब मम्मी पापा आए हैं ना तो तांशु डंडा लेकर के खड़ा हो गया था बंदरों की वजह से, कि कहीं नानू नानी गाड़ी से निकले और बंदर हमला ना कर दे उन पे, तो डंडा लेकर के उनके सिक्योरिटी के लिए खड़ा हो गया था। तो जो ड्राइवर भैया है ना तो वो हंस रहे थे और उसको छेड़ भी रहे थे हंसी मजाक में कि तांशु फिर से डंडा लेकर के आ जाओ, हम निकल रहे भैया, हमारी सेफ्टी कौन करेगा। और वाकई में तांशु डंडा ऐसे लेकर के खड़ा हो गया था जैसे सच में अगर बंदर इसके सामने आ जाओ सच में भगा देगा, जबकि ये खुद डरपोक है, खुद बंदरों से बहुत डरता है। और अभी सौरभ तो निकल रहा है अंशु को लेने के लिए, मैं भी अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में अंशु के साथ में, क्योंकि कल वाले ब्लॉग में अंशु भी होगी, सौरभ अंशु को लेकर के आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए ले लेते हैं आप लोगों से विदा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।